नमस्कार, टीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। बुधवार को कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने समर्थन मूल्य गेहूं खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान बुधवार को दो समिति प्रबंधकों के खिलाफ FIR करने के निर्देश दिए। अधिकारियों के साथ गेहूं खरीदी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिला आपूर्ति नियंत्रक एवं CEO, जिला सहकारी बैंक, जिला प्रबंधक वेयर हाउस कॉरपोरेशन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं आपको बता दें, कलेक्टर सिंह ने तहसील बनखेड़ी के ग्राम पडरखा, चांदौन, बाचामानी, खमरिया, बनखेड़ी, करपा, सीमखेड़ा आदि खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया। इसके बाद कलेक्टर ने पिपरिया के ग्राम सीमरी तला और तारोन कला और महुआ खेड़ा स्थित खरीदी केंद्रों पर भी पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान बनखेड़ी के ग्राम करपा में पूर्व निर्देशों के बावजूद भी भीगे हुए गेहूं को सुखाने में की गई लापरवाही पर समिति प्रबंधक हेमराज पटेल के खिलाफ FIR कराने के निर्देश SDM को दिए। वहीं पिपरिया के ग्राम सीमरी तला स्थित खरीदी केंद्र पर भी लगभग 8,000 क्विंटल भीगे हुए गेहूं को सुखाने में की गई लापरवाही पर समिति प्रबंधक राजेंद्र शर्मा के खिलाफ FIR कराने के निर्देश दिए हैं।